देश को तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत केंद्र सरकार का कृषि मंत्रालय देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कृषि मंत्रालय एक योजना लाने जा रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश की खाद्य तेलों की विदेशों पर निर्भरता को कम करना है। इस योजना के तहत कृषि मंत्रालय व इससे जुड़े संस्थान तिलहन उत्पादन किसानों और इसके जुड़े प्रोसेसर को फायदा पहुंचाएंगे, जो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि के तौर पर हो सकता है। देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को इंसेंटिव देने की योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कृषि मंत्रालय जल्द ही एक कैबिनेट नोट लाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट तैयार करेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के पीछे विचार देश में सरसों, सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन के उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी और सुधार करना है। साथ ही इस योजना के तहत तिलहन उत्पादक किसानों को इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं किसानों को खाद्य तेलों की प्रोसेसिंग करने वाली निजी संस्थानों के साथ ही जोड़ा जाएगा। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में देश के अंदर सरसों के उत्पादन का दायरा बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में सरसों के उत्पादन में 24% बढ़ोतरी का अनुमान है। बीते वर्ष सरसों का उत्पादन 7.3 मिलियन हेक्टेयर में किया गया था, तो वहीं इस वर्ष 9.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों का उत्पादन किया गया है। हालांकि कृषि मंत्रालय अगले दो वर्षों में सरसों के उत्पादन का दायरा 12.2 मिलियन हेक्टेयर करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। वहीं मंत्रालय की योजना देश में सूरजमुखी के उत्पादन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की भी है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में देश के अंदर सूरजमुखी के उत्पादन के क्षेत्र में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990 से 95 के दौरान देश के अंदर 2.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी का उत्पादन होता था, जो वर्ष 2005-06 के दौरान घटकर 1.4 मिलियन हेक्टेयर रह गया। वहीं 2017-18 के दौरान देश में सूरजमुखी का उत्पादन सिर्फ 0.26 मिलियन हेक्टेयर रह गया। मंत्रालय का मानना है कि सूरजमुखी के उत्पादन में आई कमी के मुख्य कारण पारिश्रमिक मूल्य में कमी था। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।